ये लव जिहाद का मसला है जो पुलिस ने डे वन से खारिज किया है। लव जिहाद का इस पूरे प्रकरण में दूर दूर तक किसी तरह का कोई लेना देना नहीं है। दूसरा आरोप लगाया गया है कि तुनिशा को हिजाब पहनाते थे, उर्दू सिखाते थे। जहां तक हिजाब का सवाल है, आप 21st एपिसोड देख लीजिए, अलादीन दास्तान-ए- काबुल का, अली बाबा दास्तान-ए- काबुल का 21st एपिसोड का जो कॉस्ट्यूम है वो गणेश चतुर्थी के समय शूट हुआ था। वो कॉस्ट्यूम का फोटो सेट पे गणपति पूजा हुई थी, जहां पे ये गणपति पूजा में इन लोगों ने पार्टिसिपेट किया है और वो फोटो को इंस्टाग्राम में डाला है, जहां पे सभी को हैप्पी गणेश चतुर्थी विश किया गया है। हमारे पास वो सबूत है, आप सभी को जिसको चाहिए हम दे देंगे, हमसे ले सकते हैं। सेकेंडली जहां तक उर्दू वाली बात है, हिजाब वाली बात है, दरगाह वाली बात है, वो उनके परिवार आपके सामने रखेंगे। चौथी बात पे आते हैं हम, तुनिशा का खुद का संबंध उनके परिवार के साथ सही नहीं था। उनकी माँ इन चीजों को बहुत अच्छे से जानती है। तुनिशा के पिताजी के देहांत के बाद तुनिशा अपसेट रहती थी। तुनिशा ने अपने पिताजी के साथ जो लास्ट बर्थडे मनाया उसके बाद आज तक खुशी से कोई बर्थडे नहीं मनाया है, ये फर्स्ट बर्थडे अपना खुशी से मनाने वाली थी। तुनिशा के माँ का और संजीव कौशल जी का क्या संबंध है, पुलिस इसकी जांच कर रही है। बट पूरा तुनिशा को जो कंट्रोल करते थे, डोमिनेट रखते थे, वो है संजीव कौशल और तुनिशा की माँ वनिता शर्मा। तो वो उनकी मामा है, जैसे अब तक कहीं सुनने में आया था कि वो मामा।